गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट। तो इससे पहले हम 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। इसमें हम देखेंगे कि बिजनेस फॉर्म्स अब कौन सी चल रही है। हमारी सेकंड बिजनेस फॉर्म चल रही है सोल ट्रेड, जो था वो फर्स्टली हम पढ़ चुके हैं। अब आइए देखते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली का मतलब होता है कि वो हिंदू फैमिली जो कि साथ में रहती है, साथ में काम करती है, ठीक है, तो वो अपना एक बिजनेस चला सकती है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, देखिए, इट रेफर्स टू दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसका मतलब ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से है अंडर विच ऑल मेंबर्स ऑफ, जिसमें जितने भी मेंबर्स हैं किसके, जॉइंट हिंदू फैमिली के, कैरी अ बिजनेस, एक बिजनेस चलाते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ मुखिया, किसके कंट्रोल में, मुखिया या कर्ता जो फैमिली का है उसके कंट्रोल में एक बिजनेस चलाया जाता है। मान लिया कि घर में कितने मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं, उनका एक मुखिया है, ठीक है, तो बाकी के जो 6 लोग हैं वो काम करेंगे, ठीक है, मुखिया भी काम करेगा लेकिन जो डिसीजन है वो कौन लेगा, मुखिया लेगा, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं, मैनेजमेंट हैं, वो सारा काम कौन करेगा, एक मुखिया करेगा, ठीक है। तो अब इसके फीचर्स देख लेते हैं, फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की क्या क्या विशेषताएं हैं, एक जॉइंट हिंदू फैमिली में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है या क्या उसके फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर क्या है। तो फर्स्ट है मैनेजमेंट बाय कर्ता, कि जो इसका मैनेजमेंट करता है वो कौन करता है, कर्ता या मुखिया करता है, ठीक है, जो कि हेड है उस बिजनेस का, वही उसका मैनेजमेंट करता है, वही सारे डिसीजन लेता है, वही प्लानिंग करता है और इम्प्लीमेंटेशन सब मिलकर करते हैं। फिर है रजिस्ट्रेशन, सेकंड आपका रजिस्ट्रेशन आता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसी भी तरह की कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए आप इसको इजीली आसानी से सेटअप कर सकते हो। थर्ड है आपका लिमिटेड लायबिलिटी, तो इसमें देखिए जो मुखिया होता है उसकी जो लायबिलिटी होती है, उसका जो दायित्व होता है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है, लेकिन जो उसके मेंबर्स होते हैं उनका जो दायित्व होता है वो लिमिटेड होता है। अनलिमिटेड और लिमिटेड में फ़र्क क्या है पहले वो देखिए। अनलिमिटेड का मतलब, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि जिसकी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और वो बिजनेस में अगर काम कर रहा है, तो अगर बिजनेस के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया है, सारी प्रॉपर्टीज़ बेचने के बाद भी वो कर्जा नहीं उतरा है, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, उसकी निजी संपत्ति भी बेची जा सकती है, ठीक है, ये अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है। और लिमिटेड लायबिलिटी में क्या है कि सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को हाथ तक नहीं लगाया जा सकता। अगर कर्जा नहीं उतरा है तो ना सही, आप सिर्फ किससे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, सिर्फ उस मेंबर की जो बिजनेस से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, आप सिर्फ उसी से ही क्या कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप सिर्फ उसी से ही अपना कर्जा ले सकते हो, ठीक है। आपको अगर किसी से जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है उसकी तो पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक जाती है, लेकिन जिसकी लिमिटेड लायबिलिटी है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बिकती। तो लिमिटेड लायबिलिटी यहाँ पे किसके लिए कहा गया है, जो उसके मेंबर्स हैं उनके लिए तो लिमिटेड लायबिलिटी है, और जो उसका मुखिया या कर्ता है उसके लिए अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है। तो इसलिए जो मैनेजमेंट है वो इतने ध्यान से करनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि जो मुखिया का कर्तव्य है, जो उसका दायित्व है, वो क्या है, अनलिमिटेड है। फोर्थ आता है परमानेंट एग्जिस्टेंस, तो देखिए कंपनी की तरह है, इसमें भी क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, अगर एक बंदा जो है वो दिवालिया घोषित हो जाता है या पागल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस रुक जाएगा, वो बिजनेस कंपनीज की तरह ही चलता रहेगा, ठीक है। अब सोल ट्रेड में हमने क्या पढ़ा था कि एक ही बंदा था, वो मर जाता है तो बिजनेस बंद हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक बंदा, दो बंदा या जो भी हैं, अगर उनकी डेथ भी हो जाती है तो भी वो बिजनेस चलता रहता है, ठीक है। तो इसका कंपनी की तरह ही क्या है, परमानेंट एग्जिस्टेंस है, परमानेंटली ये बिजनेस जो है वो चलता रहेगा। फिर है ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, इसमें जितने भी काम किए जाते हैं वो सारे किसके अकॉर्डिंग किए जाते हैं, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ही इसका क्या होता है, सेटअप किया जाता है, ठीक है। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ही ये बताया जाता है कि मुखिया की क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या उसके कर्तव्य हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें कौन हमें बताता है, हिंदू लॉ बताता है, और उसी के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना होता है, ठीक है।
फिर है आपका मेंबरशिप बाय बर्थ। अब मान लिया कि उस फैमिली में किसी नए बच्चे ने जन्म लिया है तो उसका भी उस बिजनेस में उतना ही अधिकार होगा जितना कि किसी बड़े का है, ठीक है। तो जो मेंबरशिप है उस बिजनेस की, जो मेंबरशिप है वो उनको तभी मिल जाती है जब उनका जन्म होता है, तो जन्म से ही उसको मेंबरशिप मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आपको इतनी एज पूरी करनी पड़ेगी या इतनी एज के बाद आपको मेंबरशिप मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो मेंबरशिप है वो आपको बर्थ से ही मिल जाएगी, जन्म से ही मिल जाएगी। ओनली मेल मेंबर्स, इसमें जो मुखिया होता है मेनली मेल मेंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है। जो पुरुष है उसी को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। अगर पुरुष नहीं है, ठीक है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग बताया गया है, एक हिंदू सक्सेशन एक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि अगर पुरुष ना हो तो वहाँ पे आप महिला को प्रधान बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम अब अपने फीचर्स देख लें। फीचर्स में हमने मैनेजमेंट बाय कर्ता की, पूरी मैनेजमेंट जो है वो कौन करेगा, कर्ता करेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, इसमें किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब जो भी इसके मेंबर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होगी। और परमानेंट एग्जिस्टेंस का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर मर जाता है उनमें से, डेथ हो जाती है, पागल हो जाता है, तो भी बिजनेस एज इट इज़ चलता रहेगा। ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, कि जितने भी काम किए जाते हैं वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ही किए जाते हैं। मेंबरशिप बाय बर्थ, तो इसमें जो है वो मेंबरशिप या सदस्यता कब मिलती है, बर्थ से ही मिल जाती है, आपको बाद में वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओनली मेल मेंबर्स, मेनली देखा जाए तो मेल मेंबर्स ही इसमें सदस्य होते हैं, ठीक है, जो मुखिया होते हैं वो, ठीक है। हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर मेल मेंबर नहीं है तो आप उस जगह पे क्या कर सकते हो, एक महिला प्रधान बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। स्कूल्स ऑफ, ये स्कूल आप अपने स्कूल जैसा ना समझें, तो स्कूल्स का मतलब यहाँ पे है संप्रदाय, ठीक है। तो हिंदू लॉ के जो संप्रदाय हैं या स्कूल्स हैं वो कितने तरीके के होते हैं, तो दो तरीके के हैं, मिताक्षरा और दायाभाग, ठीक है। तो असम, बंगाल और कुछ पार्ट्स हैं उड़ीसा के, उनको छोड़ के सब पार्ट्स में या सारी जगह पे इंडिया में, ठीक है, कौन सा लागू होता है, मिताक्षरा। आप देखिए मिताक्षरा में है क्या। मिताक्षरा में कहा गया है कि जो भी प्रॉपर्टी है या पैतृक जो प्रॉपर्टीज़ हैं, संपत्ति है, उसमें जो अधिकार मिलता है वो कब से मिल जाता है आपको, मान लिया कि आपकी जो एज है वो 18 हो गई, तो ऐसा नहीं है कि 18 होने पे मिलेगा, आपको जन्म से ही मिल जाता है, जन्म लेते ही आपको उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाता है। लेकिन वयस्क होने पर आप उस प्रॉपर्टी के विभाजन की बात कर सकते हो, डाइवर्जन की बात जो है वो कर सकते हो। तो मिताक्षरा में क्या होता है कि पिता के रहते ही प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाता है, लेकिन दाया भाग में क्या होता है कि प्रॉपर्टी में हिस्सा तभी मिलता है जब पिता की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। पिता की मृत्यु होने के बाद ही उसके जो बेटे हैं या जो भी उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनके नाम पे वो प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। तो मिताक्षरा आपका उड़ीसा के कुछ हिस्से हैं, बंगाल, असम, वहाँ छोड़ के बाकी सब जगह लागू होता है। और दाया भाग आपका असम, बंगाल और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में ही लागू होता है, ठीक है। तो दाया भाग में क्या है कि पिता की मृत्यु के बाद ही प्रॉपर्टी पे हिस्सा मिलता है, ठीक है, वो इससे पहले मांग नहीं कर सकता अपनी प्रॉपर्टी को लेने के लिए कोई भी। तो इसलिए इसका एक नुकसान भी है कि लोग जो हैं वो अपने पिता की जान के दुश्मन ही बन जाते हैं प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तब देखिए एडवांटेजेस देखते हैं कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के क्या फ़ायदे हैं। ईजी टू स्टार्ट, तो ईजी टू स्टार्ट क्यों है, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता, किसी भी तरीके की औपचारिकताएं या रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप इसको ईजीली स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें किसी पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, आपकी फैमिली है, हिंदू फैमिली है, तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो। फिर है सीक्रेसी, आपके जो सीक्रेट्स हैं आपकी फैमिली के अंदर अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने बाहर का कोई भी बंदा नहीं रखा है। एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है उसमें सिर्फ
बिजनेस के जो फैमिली के बंदे हैं वो ही बिजनेस में रहेंगे। प्रॉम्प्ट डिसीजंस मतलब कि शीघ्र निर्णय, जल्दी निर्णय आप ले सकते हो, जल्दी डिसीजन ले सकते हो, आपको बाहर के किसी बंदे पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। जो मुखिया है उसको ही सारा मैनेजमेंट करना है, तो वो जब देखता है कि उसे ही सारा मैनेजमेंट करना है तो वो जल्दी ही डिसीजन ले लेता है, ठीक है। फिर है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स, जो मुखिया है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है अपने कस्टमर्स के साथ। क्यों? क्योंकि इतना बड़े लेवल पे बिजनेस नहीं होता है, ये छोटे लेवल पे ही होता है, तो हर एक कस्टमर से आप खुद डील कर सकते हैं। तो अगर कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया जाएगा तो कस्टमर्स की प्रॉब्लम जानी जाएगी कि उनको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको प्रोडक्ट से क्या चाहिए, ठीक है, क्या उनको प्राइस ज़्यादा लग रहे हैं, क्या उनको प्रोडक्ट में ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट को बना सकते हो, प्राइस को सेट कर सकते हो, ठीक है, अगर हम उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं। फिर है एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी। इनहेरिटेबल क्वालिटी का मतलब है गाइज कि पैतृक जो पूर्वजों से चलती आ रही है वो क्वालिटी, ठीक है। एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि रेवाड़ी में एक सरदार जी जलेबी वाला है, उनके जो दादा परदादा थे वो भी इसी काम में थे। अब चाहे वो बंदे कैसे भी बनाते हो, लेकिन उनके जो दादा परदादा की गुडविल थी, ख्याति थी, प्रसिद्धि थी, वो उनके लिए अब भी काम आ रही है, ठीक है। तो ये हो गई उनकी इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी या इनहेरिटेबल क्वालिटी। तो जो इनहेरिटेबल क्वालिटी है उसका जो लाभ है वो कई सालों तक मिलता रहेगा, कई पीढ़ियों तक मिलता रहेगा, ठीक है। फिर है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड कंसिडरेशन, कि इसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है किस किस में, एफर्ट्स में एंड कंसिडरेशन में। तो इसका मतलब है कि जो मेंबर्स हैं जितना एफर्ट्स डालेंगे, जितना प्रयास करेंगे, उतना ही उन्हें फल मिलेगा, उतना ही उन्हें कंसिडरेशन मिलेगा। तो जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा, तो जितना आप एफर्ट करोगे, एफर्ट ज़्यादा कर रहे हो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, एफर्ट कम कर रहे हो प्रॉफिट भी अपने आप क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज़ घट रही है तो दूसरी भी घट रही है, ठीक है। तो एफर्ट बढ़ाएंगे तो कंसिडरेशन भी बढ़ेगा, एफर्ट घटा देंगे तो कंसिडरेशन या प्रॉफिट भी अपने आप घटता चला जाएगा, ठीक है। फिर है तो हमने एडवांटेजेस इसके देख लिए हैं, कौन कौन से एडवांटेजेस हैं इसके, इजी टू स्टार्ट, हम इजीली इसको सेटअप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सीक्रेसी में हमने देखा कि जो सीक्रेट्स हैं बिजनेस को चलाने के लिए वो आपके बिजनेस के अंदर अंदर ही रहेंगे, क्योंकि एक जो बिजनेस है उसमें कौन काम कर रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स ही काम कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट डिसीजन का मतलब है कि आप जल्दी से जल्दी निर्णय ले सकते हो, आपको किसी के ऊपर, किसी बाहर वाले बंदे के ऊपर विश्वास करने की या पूछने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर, कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आप उनकी प्रॉब्लम्स को जान सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी, की जो पैतृक आपके क्वालिटी हैं, ठीक है, जो गुण हैं वो आपको अब भी बेनिफिट दे रहे हैं, जो उनकी ख्याति थी, गुडविल थी, वो आपको अब भी बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है। आप चाहे वो प्रोडक्ट कैसा भी बनाते हो या ना बनाते हो, लेकिन जो पहले के इंसान थे या पहले के जो आपके पूर्वज थे उनकी जो इनहेरिटेबल क्वालिटी है मिल रही है आपको, उसकी वजह से आपका बिजनेस यहाँ होना चाहिए था तो और भी बढ़कर ऊपर चला जाता है, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके बीच में, एफर्ट्स एंड कंसिडरेशन के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर आप एफर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, अगर आपके जो एफर्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं तो आपके प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज, किसी चीज़ के अगर एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी ज़रूर होंगे, ठीक है। तो सोल ट्रेड के कुछ नुकसान थे, तो उन नुकसान को कम करने के लिए, डिसएडवांटेजेस को कम करने के लिए क्या लाया गया, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। लेकिन इसके भी कुछ हो सकते हैं डिसएडवांटेजेस, तो देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो फर्स्ट है आपका लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या है कि एक फैमिली है और फैमिली में जो मैनेजमेंट करता है वो कौन है, कर्ता, ठीक है, मुखिया। तो जो मुखिया है, जो उसका हेड है,
वो क्या करता है, पूरी मैनेजमेंट उसी को ही देखनी पड़ती है, रिसोर्सेज को वो ही अरेंज करेगा, तो वो कितना रिसोर्स अरेंज कर लेगा, बहुत ही कम मात्रा में रिसोर्स अरेंज कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होंगे। फिर है लिमिटेड मैनेजीरियल स्किल्स। अब मैनेजर बाहर का बंदा हो तो उसमें ये भी देखा जाए कि इसके पास क्वालिफिकेशंस अच्छी है। अब बाहर के बंदे को किसी को मैनेजर रख नहीं सकते, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि हिंदू लॉ में ऐसा नहीं कहा गया कि आप बाहर के किसी बंदे को मैनेजर रखो, ठीक है, क्योंकि एक फैमिली बिजनेस है तो फैमिली के बंदे ही रहेंगे। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वो मुखिया हो, करता हो, चाहे कोई भी हो, कि जो सारे मैनेजरियल काम जो है वो खुद कर सके। वो मान लिया मैनेजमेंट भी कर रहा है, वो कैपिटल अरेंज भी कर रहा है, वो रिसोर्सेज भी देख रहा है, ठीक है, तो सारे काम अच्छे से हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैनेजरियल स्किल्स जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मुखिया बनाया गया है उसमें मैनेजरियल स्किल्स भी हैं, वो अच्छे डिसीजन ले सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स है, यहाँ पे मैनेजरियल स्किल्स की कमी पाई जाती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है, किसकी कही गई है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पे जो मुखिया है या करता है उसकी कही गई है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि उसको हमेशा इस चीज़ का डर सताता रहता है कि अगर नुकसान हो गया, कर्जा नहीं चुकाया गया, बिजनेस की पूरी प्रॉपर्टी बिक गई, तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ भी बिक सकती हैं। तो इसलिए उसको हमेशा नुकसान रहता है कि उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहती है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, कि जब जो सारी शक्तियां हैं, जो सारी पावर है, वो एक ही व्यक्ति के पास हो। अब इसमें तो सारी पावर किसके पास है, मुखिया के पास है, एक ही व्यक्ति के पास है, तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया कि सेंटर हो गया वो पावर का, उसका नुकसान होता है। क्यों, क्योंकि जो मुखिया है फिर वो अपनी मनमानियाँ करने लगता है, वो खुद काम नहीं करता, मेंबर से कहता है कि काम करो काम करो, तो ऐसा कौन मेंबर होगा कि देखेगा कि ये तो काम कर नहीं रहा, ठीक है, हिस्सा ये भी बराबर ले रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है उसका डिसएडवांटेज होने लग जाता है, नुकसान होने लग जाता है, ठीक है। फिर है लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स। मेंबर्स में भी कई बार बनती नहीं है, ठीक है। अब मान लिया किसी प्रोसेस में तीन चार मेंबर लग रहे हैं, एक मेंबर की दूसरे से नहीं बनती, वो माल सप्लाई करेगा ही नहीं आगे, डिले करता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जो कोऑपरेशन है मेंबर्स के बीच में वो बहुत ही ज़रूरी है, जिसकी यहाँ पे कमी पाई जाती है, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस में हमने क्या देखा, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कि रिसोर्सेज की कमी पाई जाती है क्योंकि एक व्यक्ति ही क्या करता है, रिसोर्सेज को अरेंज करता है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, इसकी जो मैनेजरियल स्किल्स हैं उसकी कमी पाई जाती है, क्योंकि बाहर से कोई मैनेजर नहीं अपॉइंट किया जाता, और ज़रूरी नहीं है कि मुखिया में मैनेजरियल स्किल्स हों। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, किसके बारे में कहा गया है कि एक मुखिया है जो वो हमेशा इसी टेंशन में रहता है कि जो उसकी लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को भी खतरा है। डिसएडवांटेजेस फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सारी पावर एक ही व्यक्ति के पास रहती है और वो व्यक्ति क्या करने लग जाता है, मनमानियाँ करने लग जाता है। लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स, मेंबर्स के बीच में कोऑपरेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से काम सही ढंग से नहीं चल पाता है। तो हमने गाइस हमने यहाँ पे देख लिया था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब क्या है, कि एक जो फैमिली है वो मिलकर बिजनेस चलाती है, किसके कंट्रोल में, एक मुखिया और कर्ता के कंट्रोल में, और वो जो फैमिली है वो कौन सी होनी चाहिए, हिंदू फैमिली ही होनी चाहिए। फिर फीचर्स हमने देख लिए थे, मैनेजमेंट बाय कर्ता, रजिस्ट्रेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, परमानेंट एग्जिस्टेंस, ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, मेंबरशिप बाय बर्थ एंड ओनली मेल मेंबर्स। फिर हमने मिताक्षरा और दाय भाग स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ में पढ़े थे, ठीक है। एडवांटेजेस हमने पढ़ लिए हैं, इजी टू स्टार्ट, सीक्रेसी, प्रॉम्प्ट डिसीजन, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कस्टमर्स, एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड कंसिड्रेशन। डिसएडवांटेजेस में हमने क्या पढ़ा, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स होती हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है किसकी, मुखिया की। डिसएडवांटेजेस फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स। सो गाइज आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू क्लास, आपने इस क्लास को इतने अच्छे से देखा समझा। किसी की कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, थैंक यू।